हाँ, इस मैच का बोलना है तो स्पेशली बॉलर्स ने बहुत अच्छा बॉलिंग किए हैं। और ऐसा होता है कि एक चीज भी ट्रिकी होता है कि जब लो स्कोरिंग मैच होता है तो लगता है कि थोड़ा आसान है। उसमें भी हम लोग इंटेंट दिखाया और इंटेंट के साथ जो शेप बोल कर रहे थे, विकेट इतना आसान नहीं था, बॉलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल था, फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए। तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो भी सेटल्ड है वहाँ पे और जो अच्छा शेप होल्ड करके मारते हैं तो बॉल अच्छा ट्रैवल हो रहा है इधर। तो हम लोगों का माइंड में यही था कि अच्छा शेप होल्ड करते और अपना शॉट्स और इंटेंट को हमेशा लगा दे, तो उससे हम लोगों को अच्छा विन मिला है। खुद के परफॉर्मेंस में आप बोलेंगे बहुत जबरदस्त अच्छा तक मारा आपने और आप टीम को फाइनल पर ले गए। सर, मेरा यही था कि पिछला फ्यू इनिंग्स मेरा थोड़ा लो चल रहा था, तो मैं सोचा कि अपना शॉट्स पे ध्यान रहूंगा और थोड़ा बेसिक्स फॉलो करता हूँ। तो मेरे शॉट्स में मैं बिलीव कर रहा था और इंटेंट हमेशा दिखा रहा था इस गेम में और अच्छा शेप होल्ड कर रहा था, उसमें मुझे अच्छा सक्सेस मिला। तिलक भाई, जिस तरीके की हमारी परफॉर्मेंस है अभी और हम भी मतलब ये मान के ही चल रहे हैं कि हम लोग को एक गोल्ड मिलेगा, बट अगेन शाम को पता चलेगा हम किससे खेल रहे हैं, कैसा रहेगा अपना प्लानिंग अगर कुछ रहे तो? हम लोगों का प्लान हमेशा कि पॉजिटिव और एग्रेसिव क्रिकेट ही रहेगा, क्योंकि T20 क्या होता है, हमेशा गेम बदलते रहता है, तो वो इंटेंट और जो ड्रेसिंग रूम में एटमॉस्फेयर रहता है हम लोगों का बहुत अच्छा है, तो वही हम लोग कैरी ऑन करते हैं और अच्छा करने देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड है और जो विकेट है ना बहुत ट्रिकी है, तो कुछ भी होता है, तो हमेशा वो पॉजिटिव इंटेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, तो हम लोग वही चीज कैरी ऑन करते हैं और फाइनल में कोशिश करते हैं। आपको इधर बहुत सपोर्ट मिल रहा था जब आप बैटिंग कर रहे थे, लंबे लंबे आप छक्के मारे थे, इधर फैंस जो है वो आपसे एकदम मिलने के लिए एकदम आतुर हो रहे थे, आपके लिए कैसे एक्सपीरियंस है ये? सर, जब तो कोई मतलब कोई फैन है और कोई सपोर्ट है जैसे इतना अच्छा सपोर्ट देता है ना, तो हम लोगों को भी एज ए प्लेयर बहुत अच्छा बूस्ट होता है और कॉन्फिडेंस आता है, तो उससे बहुत अच्छा लगा है, तो होपफुली यही चीज देखते हैं कि फाइनल में भी ऐसी आए और कप लेके आए उनके लिए। तिलक भाई, कुछ और सवाल आपसे पूछना है, बेसिकली अब हमारा वर्ल्ड कप का जो है आगाज हो रहा है, हम लोग अपना ओपनर खेलेंगे अभी, सो पहले तो आप टीम को क्या बोलना चाहते हो? सबसे पहले तो उसी से शुरू करेंगे। मेरा टीम के लिए तो हमेशा बेस्ट विशेस और मैं प्रे करता हूँ कि इस बार अपना वर्ल्ड कप जीता है, क्योंकि होम सॉइल में चल रहा है और सब अच्छा शेप में और अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट से दिख रहा है, जो एशिया कप देखे हो अब लास्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज देखो बहुत अच्छा देखे थे, तो मैं यही प्रे करता हूँ कि इस बार अपन वर्ल्ड कप लेके आए। तिलक भाई, एक छोटा सा मतलब आप बोल सकते हैं बैड न्यूज है, क्योंकि शुभमन को डेंगू हो गया है, वो शायद नहीं खेल पाएंगे पहला मैच, आपको लगता है कि ये थोड़ा हमारे लिए इट्स नॉट अ गुड न्यूज? हाँ, यस, मतलब ऑफ कोर्स जो अच्छा अपना बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहे है शुभमन, तो अगर इस चीज का न्यूज मिला है तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा बैकफुट है, मगर अपने पास ईशान भी है कि इतना सा ईशान भी अच्छा शेप में है, ओपन कर चुके हैं, वहां पे भी अच्छा रन किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब साथ में जो भी खेलता है तो अच्छा एटीट्यूड से जाएगा और पॉजिटिव इंटेंट से खेलते हैं अपन, होपफुली वी आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट विन।